यहाँ पर शहद की मक्खियाँ भी हैं और इस तरह से इसके अंदर से जो इनका नेक्टर होता है, जो रस होता है फूलों का, वो चूसते हैं, जिसको आपको बताना पोलन ग्रीन्स, वो जो होती है अफजाइश नस्ल पौधों की, इस तरह बढ़ती है। और ये है जी, एक आपको शहद की मक्खी शायद नज़र आ रही होगी, ये इतने सामने, यह है शहद की मक्खी। यहाँ से ये इस तरह फूलों का रस चूसती है और फिर शहद बनाते हैं उससे। ये बड़ी शहद की मक्खी है, यानी कि शहद दो तरह का होता है, तो ये है बड़ी शहद की मक्खी है। मैं कोशिश करता हूँ इसके नज़दीक, ये दिख रही होगी आपको, ये उड़कर दूसरे फूल पर जा रही है, ये वाली बड़ी शहद वाली, और यहाँ पर छोटी शहद की मक्खी बैठी है ये वाली। किधर गई वो, दूसरी तरफ चली गई, हाँ ये बैठी। ये थोड़ी सी साइज़ में छोटी होती है, और जो ये छोटे शहद की मक्खी होते हैं, इसका शहद जो ये आपको सामने नज़र आ रही होगी, इसका शहद जो है ना वो ज़्यादा कीमती होता है, महंगा भी होता है। छोटे शहद की मक्खी है, छोटे शहद की मक्खी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मक्खी छोटी होती है इस वजह से, और बड़े शहद की जो मक्खी होती है, ये देखें आपको सामने नज़र आ रही होगी, ये बड़ी शहद की मक्खी है। तो जो मोस्टली जो होता है ना, अमूमन अमूमी तौर पर जो है ना, ये बड़े शहद की मक्खी जो होती है ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ये बंदे को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से जो है डंग मारती है। लेकिन ये जो छोटे शहद की मक्खी है, ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, ये जो है कम जो है शिकार बनाती है इंसानों को। ये जो ऊपर बैठी हुई है, ये छोटे शहद की मक्खी है, ये कम नुकसान पहुँचाती है। और इनका जो है, जो ये छत्ता बनाती है, हाइव जो होता है इनका हाइव, उसमें भी डिफरेंस होता है। जो बड़ी शहद की मक्खी होती है, उसका हाइव जो छत्ता होता है, जो इनका घर होता है, वो बड़ा होता है, जबकि छोटी जो होती है शहद की मक्खी है, आपको नज़र आ रही सामने, इसका जो हाइव होता है, जो छत्ता होता है, वो जो है वो छोटा होता है साइज में। तो ये सौंफ देखें आपको दिखाता हूँ मैं, सौंफ निकल रही है इसमें से, मैंने बताया था ना सौंफ के पौधे, तो ये इसमें से सौंफ जो है वो निकल रही है। ये है जी सरसों के पौधे हैं, और ये पक्के ही है सरसों। मैंने अब एक मतलब व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको कच्ची सरसों दिखाई थी, जब उसमें फूल लग रहे थे, तो ये पक गई है। और ये इसकी फलियां हैं, इन फलियों को इनके अंदर बीज होते हैं, उनको निकाल कर जो है पीस लिया जाता है, जिससे सरसों का तेल निकलता है। तो इस तरह की होती है जी, जब ये सरसों तैयार होती हैं। कुछ सरसों हमने काट ली है, तो ये अभी कुछ चंद एक पौधे हैं, ये अभी इनके कच्चे हैं, तो इसलिए अभी तक खड़े हैं। ये जो है जौ की फसल है, जो ये चारा बनता है, लेकिन पहले जो जौ था, आपको नज़र आ रहा है जौ, जौ का आटा पीस कर उसकी रोटियां बनाई जाती थी। तो ये जौ की फसल है, ये गंदम है, गंदम अब जो है तकरीबन इस तरह की है, पक चुकी है। ये गंदम के खोशे इस तरह गंदम लगती है, जिन दोस्तों ने कभी गंदम नहीं देखी और देख लें कि गंदम कैसी होती है। यहाँ पर लगे हुए हैं गंदम के खोशे, यह सारे गंदम के खोशे हैं। बीच में गंदम भी लगी है, बीच में आ जाती है बीज, तो इस तरह गंदम भी उग जाती है बीच में।